Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss another example on the designing of DFA. जो इसे previous class में हमने DFA design किया था, उसमें हमने किया था कि design a DFA for the set of all string containing a और containing a और start with a. ठीक है, ये दो DFA हम construct कर चुके हैं और हमारा इनपुट अल्फाबेट क्या है, ए बी. आज हम जो डीएफए डिजाइन करेंगे वो क्या है हमारा, एंड विद ए. एंड विद ए का मतलब क्या है कि वो सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे जो हमारे इनपुट अल्फाबेट से जनरेट होती हैं, जिनके एंड में ए है. तो डीएफए को डिजाइन करने से पहले हम क्या करते हैं, हम सारी स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं. तो हमारी लैंग्वेज से कौन कौन सी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी, मिनिमम क्या स्ट्रिंग जनरेट होगी हमारी, ए, क्योंकि एंड विद ए होना चाहिए. तो ए का एंड भी ए है, स्टार्ट भी ए है, तो ए. अगर हम ए बी जनरेट करना चाहें तो क्या ये स्ट्रिंग जनरेट होगी, नहीं. क्यों, क्योंकि इसमें एंड विद बी है. बी ए हो सकती है, यस, क्योंकि एंड विद ए है. और एनी नंबर ऑफ एज, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए फोर अप टू सो ऑन, ये सारी एंड विद ए हैं. उसके बाद अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो लाइक बी ए बी, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि इसमें एंड में बी है. बी बी ए तो होगी, बी ए ए हो सकती है, बी बी ए हो सकती है, बी ए ए हो सकती है, इस टाइप की स्ट्रिंग्स होंगी. या फिर कैसी होंगी, ए बी ए, ए ए बी ए, ए बी बी ए, इस टाइप की भी स्ट्रिंग्स हमारी लैंग्वेज से जनरेट हो सकती है. ठीक है, तो हमारी यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग जनरेट हुई, यहाँ पे हमारी इनफाइनाइट स्ट्रिंग जनरेट हुई इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से. तो अब हम इसका डीएफए बनाना शुरू करते हैं. और डीएफए बनाते हुए हमें सबसे पहले जो हमारी मिनिमम स्ट्रिंग होती है, सबसे छोटी जो स्ट्रिंग है, हम सबसे पहले उसके लिए डीएफए कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो ए के लिए बनाना है. अब ए के लिए यानी कि क्यू नोट्स स्टेट से हम मूव करके गए किसी क्यू वन स्टेट पे और उसको हमने क्या बना दिया, फाइनल स्टेट. इसको हमने फाइनल स्टेट क्यों बनाया, क्योंकि हमें मिनिमम ए जो हमारी सबसे छोटी स्ट्रिंग थी उसको हमें अपने डीएफए से एक्सेप्ट कराना है. और जिस भी स्ट्रिंग को हमें एक्सेप्ट कराना होता है उसको हम होल्ड कराते हैं फाइनल स्टेट पे. ठीक है, अब उसके बाद अब इस डीएफए में इसके एक तो ये टोटल ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि टोटल ऑर्डर प्रॉपर्टी हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट अल्फाबेट के लिए ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन होना चाहिए. और दूसरा, एक सिर्फ एक ही चॉइस होनी चाहिए हर एक स्टेट पे एक इनपुट अल्फाबेट के लिए. ठीक है, तो अब यहाँ पे ए के लिए तो ट्रांजिशन फंक्शन है. अब बी के पास, बी के लिए हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं, या तो हम बी के लिए सेल्फ लूप लगाएं, या हम बी को रीड करके ट्रैप स्टेट पे जाएं, और या हम बी से भी सेम ए की तरह क्यू वन स्टेट पे मूव करके जाएं. तो अगर हम ट्रैप स्टेट पे जाते हैं बी रीड करके, तो अगर हमारी कोई स्ट्रिंग आती है बी ए तो वो एक्सेप्ट होनी चाहिए. लेकिन इस डीएफए में क्या होगा, क्यू नोट पे बी आया, ट्रैप पे आया और यहीं पे रह गया. ट्रैप मीन्स डेड एंड, तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी. तो हम बी को रीड करके ट्रैप स्टेट पे नहीं जा सकते. अगर हम बी रीड करके क्यू नोट स्टेट पे क्यू वन पे जाते हैं तो क्यू वन हमारी फाइनल स्टेट है. और अगर कोई फाइनल स्टेट पे कोई स्ट्रिंग होल्ड करती है तो इसका मतलब है वो एक्सेप्ट होगी. तो यहाँ पे सिंगल बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि एंड विद ए है. उसके बाद तो हमारे पास क्या चॉइस बची कि हम बी के लिए सेल्फ लूप लगा देते हैं कि बी ए या बी बी ए, कितने ही नंबर ऑफ बीज उसके बाद ए अगर हमारा स्ट्रिंग में है तो वो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी. अब क्यू वन स्टेट पे नंबर ऑफ एज एक्सेप्ट होने चाहिए, उसके लिए हमने लगा दिया सेल्फ लूप ए के लिए और बी के लिए. बी के लिए एक तो ये चॉइस है कि क्यू वन स्टेट से क्यू नोट पे आए, और दूसरी चॉइस क्या है कि ट्रैप स्टेट पे मूव करके चले जाएं, या फिर बी के लिए भी सेल्फ लूप लगा दें. अब पहले चेक करते हैं कि अगर हम ट्रैप स्टेट पे जाते हैं बी रीड करके, तो
अगर हमारी कोई स्ट्रिंग आई ए बी ए तो वो हमारी एक्सेप्ट होनी चाहिए इस डीएफए से, क्योंकि एंड विद ए है, लेकिन ए बी और यहाँ पे सेल्फ लूप होता है ए बी, तो वो ट्रैप में ही घूमता रहेगा, हमारी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी। तो ट्रैप पे हम बी को रीड करके ट्रैप स्टेट पे नहीं जा सकते। अगर हम सेल्फ लूप लगाते हैं तो अगर हमारी कोई स्ट्रिंग है ए बी जो कि हमारी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके एंड में क्या है बी है, जबकि क्या होना चाहिए एंड में ए होना चाहिए, तो हम बी के लिए सेल्फ लूप भी नहीं लगा सकते क्योंकि ए और बी। तो अगर हमारी कोई स्ट्रिंग ऐसी ए बी है, ए बी अगर हम रीड करके क्यू नोट पे आए तो वो स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। अगर उसके बाद दोबारा से ए आ जाता है ए बी ए, वो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो इसलिए हम क्यू वन स्टेट से क्यू नोट स्टेट पे चले गए बी को रीड करके। ये हमारा बन गया डीएफए फॉर ऑल स्ट्रिंग्स एंड विद ए। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कोई और एग्जांपल्स करते हैं डीएफए के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।